गूगल में अगर तुम फर्स्ट सुपर हीरो मूवी सर्च करोगे तो आंसर आएगा सुपरमैन 1978। बट ये इन्फॉर्मेशन अधूरी है, बिकॉज सुपरमैन पहली सुपर हीरो फिल्म थी जो सबसे सक्सेसफुल हुई थी। तो फिर फर्स्ट सुपर हीरो फिल्म आखिर कौन सी है? मगर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एक सुपर हीरो फिल्म की डेफिनेशन क्या है। तो जब एक शख्स किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड्स को यूज करके ऑर्डिनरी लोगों को प्रोटेक्ट करे, उसे हम सुपर हीरो मूवी कहते हैं। खैर, अपने सवाल पे वापस जाते हैं। तो सुपरमैन से करीब 39 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था बक रॉजर्स, जो कहानी थी वर्ल्ड वॉर वन में लड़े हुए बक रॉजर्स की, जो एक कोल माइन में दबने और रेडियो एक्टिव गैसेस के वजह से सॉर्ट ऑफ कोमा में चल जाता है। बट ये भी फर्स्ट सुपर हीरो फिल्म नहीं है। तो बक रॉजर्स से पहले भी बहुत सारी सुपर हीरो फिल्म सीरियल्स निकली थी, लाइक स्पाइडर्स वेब, जिससे स्टैनली को डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी। लेकिन फर्स्ट सुपर हीरो फिल्म थी द मास्क ऑफ ज़ोरो, जो 1920 में बनी थी, और इसी से इंस्पायर होकर आगे चलकर एक बहुत लेजेंडरी कैरेक्टर को बनाया गया, बैटमैन।